हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ वुडन प्रिंट के ऊपर वीडियो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्ट वाटर कलर को इस्तेमाल करते हुए आप 2 मिनट में ये सुंदर वुडन प्रिंट बना सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो में मैं ऑरली और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वुडन प्रिंट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वाटर कलर्स के 3 शेड्स, जो कि हैं ग्रीन, येलो एंड रेड। तो इन तीनों शेड्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक शेड तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी में किस शेड को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, ग्रीन कलर मेरे ब्रश में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसे साइड में निकाल लिया है। और अब येलो कलर में हम अपनी ग्रीन कलर को ऐड करेंगे और फिर ऐड करेंगे हम इसमें रेड कलर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, येलो एंड रेड कलर की क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें ग्रीन कलर बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। तो इन तीनों शेड्स को इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव ब्राउन कलर आपके पास बन चुका है। तो इस कलर को फ्रेंड्स आप जितना भी वर्क करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ही छोटा डेमो आपको बना करके दिखाने वाली हूँ, तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर शेड तैयार किया है। तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग सारा शेड एक साथ ही तैयार करें। और अब फ्रेंड्स, हमें किस तरह से वुडन प्रिंट के लिए लाइन लेनी है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट ब्रश के साथ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो आपको भी डायरेक्ट ब्रश के साथ ही इसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से अल्फाबेट की यानी कुछ कर्व लाइंस हमें और कुछ सीधी लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो पूछते हैं ब्रश के बारे में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ब्रश का कोई भी इश्यू नहीं है, आप कोई भी राउंड या फ्लैट ब्रश वुडन प्रिंट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को भी मैंने आपको फास्ट प्ले करके नहीं दिखाया है, ताकि आप अच्छे से इसे देख सकें और समझ सकें। तो अब फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर हमें इस तरह से बारीक लाइंस भी लेनी है। वुडन प्रिंट की सभी लाइंस लेने के बाद अब ब्रश में थिक कलर लें, जो शेड हमने बनाया है उसे हमें लेना है। और अब अपने लाइंस के ऊपर जिस तरह से मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से हमें अपनी लाइंस के ऊपर इसे कहीं कहीं पर लगाना है। और अब बनाई हुई वुडन लाइंस को यानी कलर्स को कुछ देरी के लिए सूखने दें। और इसके बाद अब हमें बाउल में लेना है साफ पानी, और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का ब्रश भी मैंने लिया है, फ्लैट ब्रश है ये। तो इसके साथ बहुत ही स्मूथ हैंड इस्तेमाल करते हुए हमें अपने पूरे वुडन प्रिंट्स लाइंस पर पानी को अप्लाई करना है, ठीक इसी तरह से जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। सभी वुडन लाइंस पर पानी अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से रियल जैसा दिखने वाला वुडन प्रिंट आपका बन चुका है। और अब फ्रेंड्स, मैं आपको इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। तो एकदम रियल लुक इसकी आ रही है, और बहुत ही कम मेहनत में आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल रियल जैसा। वुडन प्रिंट को थोड़ा और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए अब हम इसे थोड़ा और फर्बिश करेंगे, जिसके लिए कि मैं यहाँ पर शेड को दोबारा से ले रही हूँ। और अब अपने वुडन प्रिंट की लाइंस को कहीं कहीं से हमें डार्क करना है, और बहुत ही कम इसे डार्क करना है, बिल्कुल एकदम से हमें इसकी डार्कनेस को भी नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही छोटा डेमो आपको बना करके दिखाया है। यदि आप बिगिनर हैं और आप इसे ट्राई करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे पूरी शीट पर ही ट्राई करें, क्योंकि पूरी शीट पर ट्राई करने पर आप एक बहुत ही अच्छा आउटपुट अपने में पाएंगे। तो फ्रेंड्स,
यह थी हमारी वुडन प्रिंट के ऊपर वीडियो। तो यदि आपको कलरिंग की नॉलेज के साथ साथ वुडन प्रिंट की ड्राइंग और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लीव करने से पहले लाइक करना ना भूलें और जितना ज़्यादा हो सके इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर भी करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की आसान और वैल्यूबल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को दबाने के बाद ही मेरी सारी अपडेट्स, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी, आप तक तुरंत पहुँच पाएंगी। और फ्रेंड्स, यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए एक आसान वीडियो बनाने की। वीडियो पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।